जय हिंद साथियों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में जाना कि वर्ब क्या होता है, तो आज की इस लेसन में हम जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि हमने वर्ब की क्लास में जाना कि किस क्रिया या करना या किसी का काम का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण। या फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण। तो आइए जानते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं राहुल बंजारे, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यार डिफेंस क्लास में। तो चलिए बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवर्ब की क्लास। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया का विशेषता बताता है दोस्तों। जैसे कि आपने एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है, जो मैं आपके लिए एग्जांपल ढूंढ के लाया हूँ यहाँ पे, मोहन वॉक स्लोली, यानी कि मोहन जो है वो धीरे धीरे चलता है यहाँ पे। तो मोहन जो है चलता है, लेकिन कैसे चलता है? स्लोली स्लोली, यानी कि धीरे धीरे। ये उसका हो जाएगा क्रिया विशेषण। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ के वॉक्स जो है यहाँ पे वर्ब हो जाएगा और स्लोली यहाँ पे उसका एडवर्ब हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? वाइए कुछ और जान लेते हैं। इस वाक्य में वाक जो है वो वर्ब का काम कर रहा है दोस्तों, और जो धीरे धीरे स्लोली है वो विशेषता, क्रिया विशेषता बताता है। तो आइए इसके कुछ वर्ड्स और मीनिंग भी जान लेते हैं। मेकिंग एडजेक्टिव टू एडवर्ब, विशेषण से क्रिया विशेषण बनाना। इस बहुत ही इजी टॉपिक है। यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास हम कर चुके थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एडजेक्टिव हो गया। उस एडजेक्टिव से हमको यहाँ पे इसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है, यानी कि बदलना है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्विक हो गया तो क्विक का आपका हो जाएगा क्विकली, और स्लो का हो जाएगा आपका स्लोली, और वेट का हो जाएगा वेटली, और डीप का हो जाएगा डीपली। ऐसे बहुत सारे कोई वर्ड्स हैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसपे आपको एल वाई जोड़कर उस वर्ड को यहाँ पे कंप्लीट करना होता है फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल पे जो नया है दोस्तों, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके अपने साथियों तक, फ्रेंड्स तक यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, और अधिक जानकारी के हमारे चैनल की वेबसाइट पर आप जाके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।